नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के मॉनसून सत्र से। जी हां, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन, कोरोना, महंगाई पर हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। कोरोना संकट, महंगाई और बेरोजगारी पर भी हंगामा हो सकता है। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे पीएम मोदी और सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। संसद सत्र में हंगामे के पूरे पूरे आसार व्यक्त किए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई और किसानों के मुद्दे पर पूरी पूरी उम्मीद है कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस सर्वदलीय बैठक में ये अपील की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा कि शांति के साथ जो है मुद्दे संसद में उठाए जाएं। और सबसे बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए ये भी है कि किसान जो है पिछले 8-9 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के सांसदों से किसानों ने इस बार ये अपील की है कि संसद से वॉकआउट ना करें, संसद में रहकर किसानों के मुद्दों को उठाएं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का हंगामा जो है संसद के मॉनसून सत्र में देखने को मिलता है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे संसद भवन और उसके बाद जो है 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, अब कितनी देर में जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी जो है पहुंच सकते हैं संसद भवन और उसके बाद आज पहले दिन को लेकर मॉनसून सत्र के क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जो जानकारी मिल रही है कि 11 बजे यानी कि 11 बजे माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं संसद की कार्यवाही शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जिस तरीके से मानसून सत्र आज से स्टार्ट हो रहा है, कल भी तमाम जो नेता हैं सर्वदलीय बैठक कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ने बुलाई थी, उसके बाद एनडीए की बैठक हुई थी और शाम को कांग्रेस की बैठक कहीं ना कहीं हुई थी। तो साफ तौर पर विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं वो सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने 5 एजेंटे लोकसभा स्पीकर को सौंपे हैं कि इन एजेंटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बहस करने के लिए तैयार होगी और साफ तौर पर इन मुद्दों को घेरने के लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयार होगी। तो इन सभी एजेंडों को आज कांग्रेस सदन में उठा सकती है। जिस तरीके से बात करें महंगाई की, बात करें वैक्सीनेशन की, बात करें या फिर कोरोना काल में जिस तरीके से बीजेपी सरकार की नाकामियां रही हैं उनको गिनवाने के कांग्रेस के सांसद, तमाम अलग अलग दलों के सांसद कोशिश करेंगे। वहीं जिस तरीके से लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर साफ तौर पर विपक्ष आज कहीं ना कहीं बीजेपी को घिरता हुआ नजर आ सकता है। जी, तो मान के चले कि प्रधानमंत्री 10 बजे पहुंचेंगे, फिर 11 बजे से जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो शुरुआत प्रधानमंत्री के संबोधन से हो सकती है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है कि 11 बजे से सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कहीं ना कहीं कार्यवाही स्टार्ट होगी, पर जिस तरीके से जो जानकारी है कि थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि कल रात से दिल्ली एनसीआर की बात करें काफी जोर से बारिश हो रही है। फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो उसकी वजह से जो डिले है यानी कि 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, पर जो जानकारी है कि थोड़ा लेट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच सकते हैं। जी चलिए, अब